उर्वा बिन मसूद जब वापस गए मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुजाकरात करके मैदान हुदैबिया में वापस गए तो मुशरिकीन मक्का ने कहा क्या खुशखबरी लाए हो, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम हुदैबिया से वापस चले जाएंगे, क्या हमारा मक्का बच जाएगा फतह होने से, क्या अरब के अंदर हमारी हुकूमतें रहेंगी, या रसूल अल्लाह गालिब आ जाएंगे। उसने कहा न पूछो। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कौम वल्लाह लकद वफदतु अलल मुलूक वफदतु अला कैसर व किसरा व नजाशी वल्लाह इन रायतु मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमुहु असहाबुहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। कहा क्या पूछते हो? मैं बड़े बड़े दरबारों में गया, मैं कैसर और किसरा के दरबार में गया, मैं नजाशी के दरबार में गया, लेकिन जो मंजर मैंने मोहम्मद अरबी के दरबार का देखा मैंने कहीं नहीं देखा। उसने कहा क्या देखा? उन्होंने कहा वल्ला इन तनखमन खामतन इल्ला वकत फी गफ रजुल मिनहुम फदलक बिया वजहु व जिल्दा। उसने कहा मैंने देखा कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक थूक जमीन पर फेंकते हैं तो 1400 सहाबा हाथ लेकर दौड़ पड़ते हैं, हुजूर यहां फेंके, हुजूर यहां फेंके, और जब हुजूर थूक मुबारक फेंक देते हैं फिर वो अपने हाथों पे मल कर अपने मुंह पर मलते हैं ऐसे करके। वैजा तवद्दा अकादू यक्ततिलूना अला वुदूई, जब रसूलुल्लाह वुजू फरमाते हैं तो वुजू का पानी लेने के लिए सहाबा ऐसे दौड़ते हैं, करीब है कि एक दूसरे को कत्ल कर दे कि यार जोर का तूने लिया, असर का तो मुझे लेने दे कम अज कम। मा युहिद्दून नज़रा इलैहि ताज़ीमन लहू, फरमाया ऐसे आंख उठाकर भी हुजूर की तरफ नहीं देखते, कहीं देखना भी बेअदबी ना बन जाए। वैजा अमरहुम इब्तदरू अमरा, हुजूर एक को हुक्म देते हैं जाओ जाकर ये काम करके आओ, 1400 सहाबा उस हुक्म को बजा लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इज़ां के मिल्लत राहया तज़िश्क्यूस और बरगो साज़े कायनात तज़िश्क्यूस। बाल कहंदा फरंगीरा दिले ज़ेरे नगीनेस, इकबाल कहंदा आज तक फरंगी एक दिल ते काबू नहीं पा सके। मतायू मुल्कस्तु दीनेस, उन्हें क्यों ना मुल्कन ते कब्जा जरूर कीता है लेकिन दीन ते कब्जा नहीं कर सके। क्यों जी? खुदा बंदे के दर तोहफे हरीमज, इकबाल कहंदा जितने चमचे कट से गए व्हाइट हाउस का तवाफ करते रहे और मलका बरतानिया का तवाफ करते, खुदा बंदे के दर तोहफे हरीमज, कहना वो जितने तुम्हारे चमचे कड़छे गए या घूमते करते रहे और तुम्हारे दरों का तवाफ करते रहे, सद इबलीस अस्तु यकरुहु लमीनेस, कहना लखा इबलीस जरूर गए लेकिन मोहम्मद अरबी का एक गुलाम भी तुम्हारा तवाफ करने के लिए नहीं गया। ये बात है। तुम क्या समझते हो हुजूर का दीन ऐसे चला जाएगा? ना ना, ये दीन अपनी पावर रखता है। हाँ, इसलिए इस दीन पर कोई गालिब नहीं आ सकता। मुल्कों पर तुमने कब्जे कर लिया, यहां भी 100 साल बरतानिया रहा तो 1947 के बाद फिर हुजूर के गुलाम मैदान में आ गए। तुमने हमारे क्या छोड़ा? यहां तो कोई चीज ही नहीं छोड़ी। हमारी इज्जत तो यह है वो मुस्तफा मेरे साथ शरा के दी हमाउस गरबाऊ न रसीदी तमाम बुलाबिस। उम्मत मुस्लिमा की वजह पत्थरों से नहीं है, हीरों से नहीं है, तेल के कुएं से नहीं है, रोटी से नहीं है, सड़कों से नहीं है, जहाजों से नहीं है। उम्मत मुस्लिमा की इज्जत मोहम्मद अरबी की गुलामी है।